आखिर क्या है चंद्रचूड़ की मौत के पीछे का राज, आखिर क्यों नहीं बोल रहा है अनिरुद्ध सच्चाई। वेल गाइस, बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग एपिसोड में अब अनिरुद्ध को फांसी की सजा सुना दी जाएगी। दरअसल यहां पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो ये है कि आखिर ऐसा क्या देखा था अनिरुद्ध ने कि वो चंद्रचूड़ पर इतना ज्यादा भड़क उठा था और वहां उसके पीछे भागा, जिसके बाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और चंद्रचूड़ गिर गया है एक खाई में। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा राज तो ये है कि आखिर अनिरुद्ध चुप क्यों है, उसने सच्चाई अभी तक सबको क्यों नहीं बताई और आखिर क्या सच में चंद्रचूड़ की मौत हो गई है। वेल गाइस, ऐसा क्या देख लिया था अनिरुद्ध ने कमरे में, क्योंकि बोंदता तो वहां पर नहीं थी, बोंदता तो बच्चों के साथ में रसोई घर में थी, तो फिर आखिर उस कमरे में कौन था। वैसे तो बोंदता वहां पर एक तकिया लगाकर और एक उस तकिए को चुन्नी उड़ाकर गई थी ताकि सबको लगे कि बोंदता यहीं पर है, लेकिन वहां पर जरूर कोई और ही था गाइस, जिसके साथ चंद्रचूड़ ने किया बहुत ही गलत और ये देखकर अपना आपा खो बैठा अनिरुद्ध, जिसके बाद में दोनों के बीच में घमासान युद्ध कह सकते हैं, घमासान युद्ध ही हुआ है, जिसके बाद में चंद्रचूड़ की चली गई है जान। लेकिन दोस्तों अब शो में आपको देखने को मिलेगा कि त्रिलोचन काका बोंदता को ये केस नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि अभी तक बोंदता ने कोई भी केस नहीं लड़ा है, इसी वजह से उन्हें विश्वास नहीं होगा बोंदता पर और वो किसी दूसरे बैरिस्टर को ये केस लड़ने के लिए देंगे, लेकिन वो बैरिस्टर भी ये केस हार जाएगा और अनिरुद्ध को मिल जाएगी फांसी की सजा। जिसके बाद में त्रिलोचन काका और यहाँ पर सोमनाथ बहुत ही दुखी होकर घर लौटेंगे और जब ये बात बोंदता को पता चलेगी कि अनिरुद्ध को मिल गई है फांसी की सजा, तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी और त्रिलोचन काका से अनिरुद्ध से मिलने के लिए कहेगी कि उसे अनिरुद्ध से मिलना है, जिसके बाद में बोंदता जेल जाएगी और वहाँ पर जाकर मिलेगी अपने पति बाबू से और अपनी बोंदता को वहां पर देखकर अनिरुद्ध भी होगा बहुत ज्यादा इमोशनल। वेल गाइस, क्या बोंदता को सच बताएगा अनिरुद्ध कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा था उस कमरे में, आखिर कौन था उस कमरे में मौजूद, क्या सच में वहां पर कोई था या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई था उस कमरे के अंदर, क्योंकि बोंदता तो नहीं थी, कहीं उस कमरे में टापुर तो नहीं थी, क्योंकि टापुर ने ही चंद्रचूड़ की सारी बातें सुन ली थी कि वो बोंदता के साथ में क्या करने वाला है। तो आखिर क्या है राज? वेल गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा राज है कि आखिर कौन है वो, कौन थी वो लड़की पायल वाली जिसके पीछे चंद्रचूड़ था और जिसने उसकी सारी बातें सुनी थी, क्या वो टापुर ही थी और क्या टापुर बोंदता को सच नहीं बता पाई और जब वो गई होगी कमरे में तो वहीं चंद्रचूड़ मौजूद था, तो उसने टापुर के साथ ही की जबरदस्ती। क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। टीवी शोज और बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ।